कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा ने कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझकर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है और अभी तक प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को रिहा नहीं कराया गया है। पत्रकारों से बातचीत में अंकुर वर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में भाजपा की सरकार राजनीतिक विद्वेषवश कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। अंकुर वर्मा ने नारा दिया कि भाजपा जुल्म करे कांग्रेस सेवा करती रहेगी, भाजपा के दमन के आगे कांग्रेस झुकने वाली नहीं है और ताकत से सेवा कार्य तेज किया जाएगा। इसी क्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के बाद जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार से 1000 बसों को चलाने की अनुमति मांगी थी, मगर योगी सरकार ने बस चलवाने के लिए अनुमति देने की जगह प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को अकारण गिरफ्तार करा दिया और प्रदेश के हजारों कांग्रेसकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए। इससे कांग्रेस का मनोबल कमजोर होने वाला नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संकट के समय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में 90 लाख लोगों तक भोजन और राशन पहुंचाया है। 22 जिलों में रसोई घर संचालित किए गए। कार्यकर्ता रात दिन पीड़ितों की सेवा में जुटे हैं। भाजपा सरकार सत्ता के दम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दमन कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज आप लोगों ने कैसा ज्ञापन सौंपा? देखिए, आप लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से लॉकडाउन जब से शुरुआत हुई कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में लगातार जो भी जरूरतमंद थे उनको राशन का किट बांटने का हो, ताजी रसोई की शुरुआत हो, ताजी रसोई के द्वारा लगातार लोगों को भोजन कराने का काम हो, लगातार जो मजदूर हमारे आ रहे थे उनको प्रवासी मजदूरों को जलपान कराना एवं भोजन कराने का हाईवे पे जो निर्णय रहा हो, सब में लगातार अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशानुसार हम लोग काम कर रहे थे। आप सब जानते हैं जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी के कहने पर हमारे अजय कुमार लल्लू जी द्वारा जो बस चलाने की बात हुई थी, उन्होंने 1100 बस लगाने की बात कही थी और प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे अनुमति भी दी थी कि 1100 बसें आप जो 1000 बस लगा रहे हैं उसको लागत लेके जा भी सकते हैं। लेकिन जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मांग किया कि ये बसें जाने दीजिए, उसमें श्रमिक उसमें जाना चाहते हैं अपने घरों तक, तब उनको अनुमति ना देने की बात सामने आती है कि उनको अनुमति नहीं देंगे और आप अंदर बस लेके नहीं जा सकते हैं। जब अजय कुमार लल्लू जी ने इस पर आवाज उठाई तब उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए और आज 19 तारीख से उनको जेल में रखा गया है और आज तक भी उनकी जमानत नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं ये द्वेष भावना नजर आ रही है कि जिस तरीके से कोर्ट में उनकी तारीख लग रही है और केस डायरी उनके तक नहीं पहुंचाई जा रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भावना के नाते ऐसा काम किया जा रहा है। ये मुद्दा गलत है। प्रदेश में लगभग 90 कांग्रेसियों के ऊपर मुकदमे किए जा चुके हैं इस लॉकडाउन के दौरान। जो लगातार सेवा कर रहा हो कि उनका दोष यही है कि वो लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, जरूरतमंदों को उनकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर ये गुनाह है तो हम और तेजी से ये गुनाह का काम करेंगे। हम सेवा नहीं, लगातार सेवा का काम करेंगे। जो भी लोग जरूरतमंद हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी उनके मुकदमों से फर्जी मुकदमों से डरने वाली नहीं है और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। निश्चित अजय कुमार लल्लू जी की रिहाई होगी और सत्य की जीत निश्चित होगी। इस को सब मांगों को लेकर के अजय कुमार लल्लू जी और उनके साथ जो 90 कांग्रेसियों के ऊपर पूरे प्रदेश में मुकदमे किए गए उनको वापस फर्जी मुकदमों को वापस लेकर के अजय कुमार लल्लू जी की रिहा किया जाए, ऐसे मांग को लेकर आज राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने एडीएम के द्वारा हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनके फर्जी मुकदमों को हटा करके उनकी रिहा किया जाए। रत्नेश्वर मिश्रा की रिपोर्ट।